प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। कर्मों की कुशलता ही योग है। हम यूँ कहें कि हमारे अंदर जो प्रतिभा है, जो विद्या है, अगर उसको हम सुचारू रूप से करें तो वही योग है। और योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। योग हमें आत्मनिर्भर बनाता है, स्वावलंबी बनाता है और सनातन और संस्कृति से भी जोड़ता है। योग एक दवा है, मेडिसिन है, जिसको अगर हम अपने दिनचर्या में शामिल करें, अपने जीवन में आत्मसात करें, तो किसी उपचार की आवश्यकता नहीं है। योग स्वयं एक उपचार है। इसलिए संपूर्ण देशवासी और बिहार वासियों से मेरा ये निवेदन है, अपील है कि करें योग और रहे निरोग। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामना और बधाई। मेरा नाम कागर कुमारी है, मैं यहाँ बहुत दिनों से आ रही हूँ और हर संडे यहाँ पर योगा भैया दीदी करवाते हैं। योग दिवस को लेकर क्या बताना चाहती हूँ? योगा करने से हम अपने दिमाग मतलब पढ़ाई में मन लगता है योगा करने से, और हमारी हमारी अंदरूनी जागरूकता बढ़ती है। योगा करने से हम स्वस्थ रह सकते हैं। हम सभी बच्चों के लिए योगा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या नाम हुआ? काव्य कुमार। स्वस्थ रहते हैं। योग हमें हर सभी को करना चाहिए, क्योंकि योग से हम करने से हमारा कोई भी काम में मन लगता है। जैसे पढ़ाई करेंगे तो पहले अगर 2 मिनट पहले ये भ्रमनाथ कर लेंगे तो उसमें हमारा मन, फिर पढ़ने में कोई भी काम को करने में अच्छा मन लग जाएगा। और अच्छे मुंगेर कौन सिटी के नाम से जाते हैं? सेंटर ऑफ योगा। योग दिवस मनाते हैं? हाँ, 21 जून को योग दिवस भी मनाया जाता है। क्या नाम हुआ? सोनू कुमार। कौन सा संस्था है ये? एक किलकारी है ये। क्या नाम? मेरा नाम आर्यश्री है। ये कौन सा संस्था है? किलकारी। अब योग के विषय में क्या बताना चाहती हैं? योग के विषय में बताना चाहती हूँ कि योग करने से हमारा शरीर फिट रहता है। तिलकारी में संडे योग होता है। योग करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, पढ़ने में भी हम लोग को मन लगता है, और अगर हम ज़्यादा योग करते हैं तो हमारी आयु लंबी रहती है। योग करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, साफ फेस साफ रहता है, और योग करने से हमें कोई भी बीमारी नहीं होती है। ये मुंगेर को योग नगरी के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ 21 जून को क्या होता है? 21 जून को हम लोग योग दिवस मनाते हैं, और संडे भी यहाँ पे योग भी होता है। क्या नाम हुआ? आर्यश्री। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।